इंडिया गेट के बिल्कुल ठीक पास में है। अभी अभी जो नया बना है कुछ महीने पहले, नेशनल वॉर मेमोरियल, और इसकी एंट्री अगर आप राष्ट्रपति भवन की तरफ से आएँ तो इंडिया गेट से होते हुए ठीक इंडिया गेट के पीछे आपको वॉर मेमोरियल नज़र आ जाएगा। और इधर के पास में भी ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं, आप नज़ारों का आनंद ले सकते हैं इधर, पर गर्मी में ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है इधर। और ये यहाँ का मैप, इंडिया गेट सर्कल के अंदर ही है ये वॉर मेमोरियल। अगर आप बच्चों के साथ हैं, स्कूली बच्चों का, यहाँ पर एंट्री करवाएं और फिर अंदर जाएं। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमारे युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए उन शहीदों के लिए वार मेमोरियल बनाया गया है। और जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते ही आपको राष्ट्रीय समर स्मारक के बारे में पता चलता है। राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की ओर से सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया। इस स्मारक का डिजाइन सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस का कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की संकल्पना 4 संकेंद्रित वृत्तों पर आधारित है जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन की यात्रा का वर्णन करते हैं। अमर चक्र, अमर चक्र, राष्ट्र अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाएगा, इस आश्वासन के साथ अमर ज्योति के निकट स्मारक स्तंभ है, सैनिक की अमरता का प्रतीक है। वीरता चक्र, इस दीर्घ क्षेत्र में कांस्य भीति चित्रों के माध्यम से युद्ध संक्रियाओं के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं के शौर्यपूर्ण कारनामों का प्रदर्शित किया गया है। तीसरा है त्याग चक्र, सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों के नाम वृत्ताकार रूप में व्यवस्थित ग्रेनाइट की पट्टियों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है जो चक्रव्यूह नामक प्राचीन युद्ध व्यूह रचना को दर्शाती है। चौथा है रक्षक चक्र, रक्षक चक्र में घने वृक्षों की पंक्ति किसी भी प्रकार के खतरे से देश के नागरिकों की ओर सुरक्षा का आश्वासन है, जहां प्रत्येक वृक्ष राष्ट्र की अक्षेत्रीय अखंडता की दिन रात रक्षा करने वाले बहुत से सैनिकों को प्रतिनिधित्व करता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जीतवा वा मोक्षस्य महिम। और ये है वो युद्ध स्मारक, और ये देखिए ये है अमर चक्र। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक। ये है वो ग्रेनाइट के पत्थर जिन पर हमारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। सत सत नमन सभी शहीदों को हमारी तरफ से और देश की तरफ से सभी को सैल्यूट है।
और यहाँ पर लगभग सभी के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ से ऐसे अगर आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं ग्रेनाइट के पत्थरों पर लिखा हुआ सभी का नाम। ये फिर आप अगर वहाँ से अंदर की तरफ आते जाओगे तो फिर दोबारा एक और ये ग्रेनाइट के पत्थरों पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर तीनों सेनाओं के झंडे, फ्लैग ऑफ थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया और इंडियन फ्लैग, भारत का झंडा। और ये भारत पाकिस्तान विवाद 1947 से 48, पाकिस्तान ने आज़ादी के तुरंत बाद बल प्रयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। भारतीय सैन्य दल 27 अक्टूबर 1947 को राज्य की रक्षा के लिए श्रीनगर पहुंचा। 14 महीनों के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम घोषित हुआ। इस युद्ध के दौरान कुल 2845 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और वीरता के लिए 5 परमवीर चक्र, 53 महावीर चक्र और 323 वीर चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया। और ये बिल्कुल ठीक हो ठीक वार मेमोरियल के बीच में आप देख सकते हैं अमर जवान, जहाँ पर अमर ज्योति जलती रहती है हमेशा, और वो हमारे बहादुर सैनिक। इन सभी सैनिकों को सत सत नमन, इन सैनिकों को हमारा सब भारतवासियों की तरफ से सैल्यूट। लोंगेवाला की लड़ाई, लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिम सीमा पर लड़ी जाने वाली निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात को टैंकों तथा तोप खाने से लैस करीब 4000 सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को की फौज ने लोंगेवाला पर हमला कर दिया। उस समय वहां पर भारत की 23 पंजाब रेजिमेंट तैनात थी। दुश्मन के भारी आक्रमण के बावजूद बहादुर भारतीय सैनिकों ने लोंगेवाला पोस्ट पर अपना कब्जा बनाए रखा। जय हिंद। बैटल ऑफ लोंगेवाला, बैटल ऑफ गंगा सागर। उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश स्थित गंगा सागर में एक भीषण लड़ाई लड़ी गई। तब भारत की 14 गार्ड्स रेजिमेंट को गंगा सागर क्षेत्र में किलाबंदी किए हुए पाकिस्तानी सैनिक अड्डे पर कब्जा करने का कार्य सौंपा गया। भारतीय सैनिकों ने योजनाबद्ध तरीके से 3 दिसंबर 1971 की सुबह के 2 बजे सैनिक कार्रवाई शुरू की। शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच बंकरों को ध्वस्त करते हुए वे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले गए। उनके लक्ष्य के करीब पहुंचने पर पाकिस्तानी सैनिकों ने एक अति सुरक्षित 2 मंजिला इमारत से गोलाबारी कर बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों को हताहत कर दिया। परंतु भारतीय सैनिक रुके नहीं और असाधारण साहस एवं इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अंततः 2 दिन की भीषण लड़ाई के बाद लक्ष्य पर कब्जा करने में सफल रहे। इस तरह भारतीय सैनिकों ने असाधारण शौर्य का परिचय देते हुए एक अत्यंत कठिन लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। जय हिंद। बैटल ऑफ गंगा सागर। तीथवाल की लड़ाई, बैटल ऑफ तीथवाल। और अभी आपके सामने है बैटल ऑफ तीथवाल, तीथवाल की लड़ाई। भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 के दौरान जम्मू कश्मीर स्थित तीथवाल क्षेत्र में लंबे समय तक एक भीषण लड़ाई लड़ी गई। युद्ध के आरंभिक दौर में पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने सीमा पार कर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तीथवाल पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए तत्पश्चात भारत तथा पाकिस्तान की सेनाओं के बीच काफ़ी संघर्ष चला। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों का मुख्य उद्देश्य तीथवाल क्षेत्र में भारतीय सेना के कब्जे में स्थित रीच मार्ग गली तथा नस्ताचून दर्रे पर आधिपत्य जमाना था। 13 अक्टूबर 1948 को
पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के कब्जे में इन पोस्टों पर पुनः जोरदार हमला बोला। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन के प्रयासों को विफल कर बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को हताहत कर दिया। भारतीय सैनिकों ने दृढ़ निश्चय तथा इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर तीतवाल की पोस्टों पर अपना कब्जा बनाए रखा। इस भीति चित्र में 6 राजपूताना राइफल के सैनिक शत्रु के साथ आमने सामने की लड़ाई करते हुए आप देख सकते हैं। सत्यमेव जयते। ये नेवी, एयरफोर्स और वो आर्मी है, इनका आपको पता ही है। ये रेजान गला की लड़ाई, रेजान गला बैटल। ये है भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान रेजान गला की लड़ाई। लद्दाख के सुदूर इलाके में स्थित 18,000 फीट की ऊंचाई दुर्गम बर्फीली चोटी पर लड़ाई लड़ी गई। 18 नवंबर 1962 की रात को चीन की सेना ने भारी दलबल के साथ रेजान गला स्थित भारतीय पोस्ट पर अचानक दो तरफा हमला कर बोला। उनका उद्देश्य इस दर्रे पर कब्जा कर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चुसलू गैरिसन का लेक से एकमात्र सड़क संपर्क तोड़ना था। अलग थलग पड़े 13 कुमाऊं के करण बांकरों ने पूरे जोश तथा उत्साह से चीनी हमलावरों का सामना किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में अतुलनीय वीरता तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए 13 कुमाऊं के सैनिकों ने अंतिम गोली तथा अंतिम सांस तक लड़ते हुए भारतीय सैन्य परंपरा में एक नया इतिहास रच दिया। जो अभी आप देख रहे हैं ऑपरेशन मेघदूत क्या था, आइए जानते हैं। ऑपरेशन मेघदूत भारत की उत्तरी सीमा के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में लड़ा जाने वाला एक चुनौतीपूर्ण सैनिक अभियान। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की कायदे आजम पोस्ट 21,153 फीट ऊंचाई पर 1,500 फीट की बर्फीली दीवारों पर किले की तरह स्थित थी। यह पोस्ट नज़दीकी सभी भारतीय पोस्टों पर हावी थी। सामरिक महत्व वाली इस पोस्ट पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना ने 23 जून 1987 को हमले की कार्रवाई शुरू की। कठिन व प्रतिकूल परिस्थितियां, 0 से 50 डिग्री कम तापमान एवं बर्फीले तूफानों के बीच भारतीय 8 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के जाबाज सैनिकों ने 3 दिन तथा 3 रातों तक भीषण सैन्य कार्रवाई करते हुए 26 जून 1987 को पाकिस्तानी पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। युद्ध के इतिहासकारों के युद्ध के इतिहास में यह एक अद्वितीय तथा असाधारण अभियान था। बाद में यह पोस्ट का नाम इस अभियान में विशिष्ट योगदान के लिए एक बहादुर सैनिक के नाम पर बाना टॉप रख दिया गया। और ये है ऑपरेशन ट्राइडेंट। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान 4-5 दिसंबर की रात को भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों किल्टान, कच्छल, निपात, निर्घात तथा वीर ने कराची बंदरगाह पर हमला
पर पहला मिसाइल आक्रमण किया। करीब रात 10:30 बजे जब भारतीय नौसैनिक बेड़ा कराची से दक्षिण में 70 नॉटिकल मील दूरी पर पहुंचा, तब युद्धपोत निपात के अधिकार ने रेडार पर पाकिस्तान के एक जहाज को देखा। दुश्मन के उस जहाज को मिसाइलों के प्रहार से तुरंत डुबो दिया गया। बाद में उस जहाज की पहचान पाकिस्तानी विध्वंस खैबर के रूप में हुई। बंदरगाह की तरफ से आगे बढ़ने पर भारतीय युद्धपोत वीर ने पाकिस्तान माइन स्वीपर मुहाफिज को कर्मी दल सहित जलमग्न कर दिया। इस भारतीय मिसाइल बोट अभियान में 4 पाकिस्तानी जहाजों को ध्वस्त कर दिया गया तथा अन्य 2 को भारी क्षति पहुंचाई गई। भारतीय नौसेना के विध्वंस प्रहार के दौरान कराची तेल भंडार को आग की भेंट कर दिया गया। बंदरगाह को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस भीषण लड़ाई में भारतीय नौसैनिक बेड़े की विध्वंसक गोलाबारी ने पाकिस्तान की कराची बंदरगाह को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी कर दिया। जय हिंद, जय जवान। और ये समुद्र को दर्शाते हुए और ये था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इसके साथ मैं इस वीडियो का एंड करते हुए और हमें सभी सैनिक जवान जो दिवाली होली के दिन भी अपनी ड्यूटी पर रहते हैं उन सभी को सलाम, उन सभी को सैल्यूट और हमारा सत सत प्रणाम स्वीकार किया जाए। और वीडियो बनाने वाले हैं योगेश कुमार। और अभी सैनिकों के नाम अभी भी लिखने बाकी है और काम अभी भी जारी है। आओ कुछ सैनिकों के नाम दिखाए जाए आपको। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्षों से चल रही सीमा विवादों को परिणति 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हुई। वर्ष 1962 के भारत चीन सीमा विवाद के तुरंत बाद ये संघर्ष शुरू हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर पर पठानकोट से सूरतगढ़ तक के क्षेत्र पर हमला बोला। अतः 23 सितंबर 1965 से युद्ध विराम पर सहमति बनी। इस युद्ध में भारतीय सेना के कुल 3415 सैनिक शहीद हुए और सैन्य कार्रवाई के दौरान वीरता के लिए उन्हें 2 परमवीर चक्र, 37 महावीर चक्र और 171 वीर चक्रों से सम्मानित किया गया। यह है असम राइफल्स। और अगर कोई गलती हुई हो मेरे से वॉर मेमोरियल के दौरान पढ़ते हुए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और यहाँ पर देश विदेशों से सैलानी आते हैं और यहाँ युद्ध स्मारक को देखने के लिए अपने शहीदों को नमन करते हुए दिल में अच्छी भावना को लेकर जाते हैं सब यहाँ से और अपने सैनिकों को अच्छे से याद करते हैं।